तो पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे द्वारकानाथ टैगोर ने भारत का पहला बिजनेस अध्याय लिखा, साथ ही कैसे उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। साथ ही हमने बात की थी एक ऐसे इंसिडेंट की जो इंडिया से करीब 2800 किलोमीटर दूर हुआ था पर्शिया में, जो भारत के बिजनेस का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पर्शिया का वो इंसिडेंट भारत का भविष्य बदलने वाला है। किस्सा ए संजन के अनुसार 7 सेंचुरी में कुछ ज़ोरोआस्ट्रियंस समंदर के रास्ते तब के संजन राज्य में आ रहे थे, जो कि आज के गुजरात में आता है। जैसे ही उनको वहां के राजा जड़ी राणा के लोग देख लेते हैं, वो तुरंत राजा के पास भागकर चले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग समंदर के रास्ते हमारे राज्य पर शायद अटैक कर रहे हैं। हर जगह डर का माहौल फैल जाता है, सब लोग प्रिपेयर होने लगते हैं कि शायद ये कोई वॉर तो नहीं है। राजा तुरंत अपने सैनिकों के आदेश देते हैं कि उन्हें जाकर पकड़ लो और बंदी बना लाओ। तभी तुरंत सैनिक उनको पकड़ने के लिए चले जाते हैं और जैसे वो समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, उन्हें वो पकड़ लेते हैं। वहां पर सारे सैनिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी के भी पास वेपन्स नहीं होते। बाद में उन्हें राजा के महल में पेश किया जाता है, जहां पर राजा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती और वो जो बात कर रहे थे वो भाषा राजा को नहीं समझ में आती है। उन लोगों को देखकर राजा को ये समझ में आता है कि ये शरणार्थी हैं, शायद इनके राष्ट्र के लोगों ने इन्हें वहां से निकाल दिया है, इसलिए ये यहाँ पर आए। तुरंत राजा ये आदेश देते हैं कि वहां पर एक दूध से भरा हुआ ग्लास लाया जाए। उस दूध से भरे हुए ग्लास को रखकर राजा उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा राज्य पहले से ही भरा हुआ है और प्रॉस्परस है, अब यहाँ पर किसी भी शरणार्थी के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर शरण में नहीं ले सकते। साथ ही राजा को यह भी डर होता है कि कहीं ये दुश्मन की तो चाल नहीं है। उसके बाद एक बुजुर्ग पारसी व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और अपने पास के कुछ शक्कर उस दूध के ग्लास में डाल देते हैं, जिससे दूध भी बाहर नहीं आता है और दूध की मिठास और बढ़ जाती है। और इसी से वो राजा को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम पारसीज इसी तरह से आपके राज्य में रहेंगे, हम आपको कोई भी दिक्कत नहीं देंगे, ना ही आपके ऊपर हमारा बोझ रहेगा और हमारे आने से इस राज्य की मिठास और भी बढ़ जाएगी। ये देखकर राजा बड़े इंप्रेस हुए, लेकिन फिर भी कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लेते हुए उन्होंने कुछ कंडीशंस, जैसे कि आप कोई भी वेपन्स कैरी नहीं कर सकते, आपको लोकल लैंग्वेज यानी गुजराती सीखनी होगी, पारसी महिलाओं को वहाँ के लोकल गारमेंट्स यानी साड़ी पहननी होगी और जो भी इनकी शादियाँ होगी वो शाम को ही होगी। इन कंडीशंस के साथ उन्होंने उन्हें राज्य में रहने की अनुमति दी। उस टाइम किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि राजा का ये एक डिसीजन भारत के बिजनेस वर्ल्ड में कितनी बड़ी क्रांति लाने वाला था। उसके बाद पारसीज इन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर रहने लगे। जब राजा ने उन्हें शरण में लिया तो उनके लिए एक तरह से एक जीवनदान ही था, जिसके लिए उन्होंने राजा के प्रेज में कई सारी कविताएँ भी लिखी, जो आज भी वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर लिखी हुई पाई जाती हैं। पारसे शुरुआत से ही बिजनेस में नहीं थे, शुरुआत में वो मेनली खेती करते थे। पारसे बिजनेस में कैसे उतरे ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मराठाओं ने दो बार सूरत पर अटैक किया था, जिसकी वजह से सूरत का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों को लग रहा था कि सूरत अब शायद हमारे लिए एक रिस्की ट्रेडिंग सेंटर बन गया है, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम मुंबई को डेवलप करेंगे और उसे अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे। मुंबई को ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए जरूरत थी मुंबई को डेवलप करने की,
और मुंबई को डेवलप करने के लिए अंग्रेजों को जरूरत थी वहां के लोकल लोगों की मदद की, जिनकी मदद से वो टी और ओपियम की ट्रेडिंग कर सके, साथ ही ट्रेडिंग के लिए जरूरी शिप्स की बिल्डिंग और रिपेयरिंग कर सके। बॉम्बे में पहले से ही मराठी कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने मराठी लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया। अंग्रेजों को ये अच्छे से पता था कि अगर हम मराठाओं को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं तो जल्द ही वो बहुत अमीर बन जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले वो हमें ही बाहर निकाल देंगे, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा करना चाहते थे। तभी अंग्रेजों ने देखा कि एक कम्युनिटी है जिसे हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, और वो थी पारसी कम्युनिटी। अंग्रेजों का ये मानना था कि पारसी कम्युनिटी एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है जिन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान होगा, और अगर ये अमीर भी बन जाते हैं तो भी ये कभी भी हमारे लिए खतरा नहीं बनेंगे। कुछ पारसीज अंग्रेजों को शिप बिल्डिंग में मदद करने लगे, जैसे कि वाडियाज, और कुछ पारसीज उन्हें ओपीएम और टी की ट्रेडिंग बिजनेस में मदद करने लगे, जैसे कि जमशेद जी जीजी भॉय। जल्द ही जमशेद जी जीजी भॉय रिचेस्ट पारसी पर्सन बन गए, लेकिन इसकी शुरुआत भी बहुत पेनफुल थी। एक बार वो अपने जहाज से चाइना की तरफ जा रहे थे, तभी उस जहाज पर कुछ फ्रेंच लोग कब्जा कर लेते हैं और उन लोगों को वो साउथ अफ्रीका लेकर जाते हैं। उस जहाज में एक और पर्सन भी होते हैं जिनका नाम था विलियम जर्डाइन। उसे भी जमशेद जी जीजी भॉय और विलियम जर्डाइन, इन दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है और बाद में ये बातचीत फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है। जल्द ही विलियम जर्डाइन चाइना के एक बहुत बड़े ट्रेडिंग बिजनेसमैन बन जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है एक प्रिंसिपल कोलैबोरेटर की जो उन्हें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, और वहीं पर उनके काम आते हैं जमशेद जी जीजी भॉय। तो विलियम जर्डाइन के साथ ओपियम की ट्रेडिंग करके जमशेद जी जीजी भॉय मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमा लेते हैं और बन जाते हैं रिचेस्ट पारसी पर्सन। लेकिन इसी बीच 1839 में चाइना के साथ अंग्रेजों का ओपियम वॉर शुरू होता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए चाइना ओपियम को बैन कर देती है, और इसके चलते कई सारे पारसी बिजनेसमैन जो कम्प्लीटली ओपियम ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट थे, उनका इनकम सोर्स अचानक से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कई सारे पारसी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। जल्द ही जमशेद जी जीजी भॉय भी अपना ये ओपियम ट्रेडिंग का बिजनेस बंद कर देते हैं और कम्प्लीटली फोकस करते हैं फिलैंथ्रोपी पर। उन्होंने अपनी ओपियम ट्रेडिंग ओपियम वॉर की वजह से बंद नहीं की थी, वो उन्होंने इसलिए बंद की थी कि कई सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो गलत चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये जो ओपियम है ये यूज़ किया जाता है ड्रग बनाने के लिए। जमशेद जी जेजे भॉय ने इतना सारा डोनेशन किया था कि कहा जाता है कि मुंबई को डेवलप करने में अगर किसी सिंगल पर्सन का सबसे बड़ा रोल है तो वो थे जमशेद जी जीजी भॉय। उन्होंने 1,00,000 रुपीज डोनेट करके सर जेजे हॉस्पिटल खड़ा किया, साथ ही 126 नोटेबल पब्लिक चैरिटीज को उन्होंने अपना पैसा डोनेट किया, जिसमें से ही कुछ थे सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स और सर जेजे धर्मशाला। 1859 ये एक ऐसा साल था जिसमें जमशेद जी जीजी भॉय की डेथ हुई, लेकिन इसी साल इंडिया के नए बिजनेस दौर की शुरुआत हुई, और वो दौर था जमशेद जी टाटा का, क्योंकि 1859 में ही उन्होंने पहली बार बिजनेस में कदम रखा। इनिशियली हमने देखा कि जमशेद जी टाटा और उनकी फैमिली को कॉटन बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहां पर रिस्क को बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन इन्हीं फेलियर से जमशेद जी टाटा ने लेसन सीखे और आगे चलकर वो सबसे सक्सेसफुल कॉटन बिजनेसमैन बने। तो टाटा का ये बिजनेस सक्सेस और फेलियर हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग रिस्क इन आवर लाइव्स। इवन अपनी पर्सनल लेवल पे भी आप अपनी और अपनी प्रियजनों की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रिस्क को बैलेंस करके। जैसे कि हमें पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, इन जैसे एक्सपेंसेस इसमें कवर हो जाते हैं। इसी के चलते हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में इंडिविजुअल के लिए मस्ट हो गया है, और यहीं पर हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। ऑन पॉलिसी बाजार यू कैन गेट इंश्योरेंस वर्थ ₹1 करोड़ सिर्फ ₹400 पर मंथ में, जहां पर आपको फ्रीडम मिलती है 250 में से ज्यादा प्लान से चूज करने की। इसके साथ ही वो आपको प्रोवाइड करते हैं 30 मिनट क्लेम असिस्टेंस, यानी अगर आप कहीं फंस गए हैं तो उनकी 24/7 डेडिकेटेड टीम 30 मिनट में आपकी क्वेरी सॉल्व करेगी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आप सीधे पॉलिसी बाजार हेल्पलाइन को रीच आउट कर सकते हैं, फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और उसके अनुसार आपको गाइड करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अपटू 75,000 अंडर सेक्शन 80D, क्योंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी बच जाती है। जो ऑफलाइन एजेंट है उनसे कम प्रीमियम में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाता है। तो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हेल्थ इंश्योरेंस जरूर चेकआउट करें। नमस्कार,
1958 में जमशेदजी टाटा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पास आउट हुए और उसके बाद वो किसी प्रोफेशन में इंटर करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त उनके पिता नुसरवानजी टाटा को उनके बिजनेस में जमशेद जी की मदद चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने जमशेद जी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। नुसरवानजी का जो मेन बिजनेस था वो था ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग का। तभी 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। अब इंग्लैंड को जाने वाला ज़्यादातर कॉटन अमेरिका से ही जाता था, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से वो नहीं जा पाया, जिसकी वजह से कॉटन की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और यहीं पर कुछ इंडियन ट्रेडर्स ने अपॉर्चुनिटी देखी और उसे ग्रैब भी किया, और उसमें से ही एक थे नुसरवानजी टाटा। इन्होंने बड़ी मात्रा में कॉटन को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक बार एक बहुत बड़ी कॉटन से भरी हुई शिप उन्होंने इंग्लैंड भेज दी और साथ में जमशेदजी टाटा को भी भेजा। उस वक्त जमशेदजी टाटा के पास कुछ ऐसे बिल्स थे जिनकी प्राइस कम्प्लीटली कॉटन प्राइसेस पर डिपेंड थी, यानी कॉटन की प्राइस बढ़ेगी तो उन बिल्स की प्राइस बढ़ेगी, कॉटन की प्राइस कम हो जाएगी तो उन बिल्स की प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन जब तक वो इंग्लैंड पहुंचे तब तक उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। अमेरिका में चल रहा सिविल वॉर काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका से कॉटन फिर से इंग्लैंड को एक्सपोर्ट होने लगा। अब कॉटन की इस अवेलेबिलिटी के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइसेस तेज़ी से गिरने लगी, और जब तक ये जमशेदजी टाटा की शिप इंग्लैंड पहुंची तब तक ये प्राइस आधे से भी कम हो चुकी थी। तो इस पूरे ट्रेड में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, जो भी बिल्स उनके पास है उनकी वैल्यू भी कुछ भी नहीं रही। अब अपने इस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए उन्होंने कई सारे बैंक्स और लोगों से क्रेडिट यानी लोन लिया था, लेकिन अब इस हालत की वजह से लोन तो दूर की बात है, जमशेदजी टाटा को खुद इंग्लैंड में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वो वहाँ से भागे नहीं, वो सीधे अपने क्रेडिटर्स के पास गए, कुछ बैंक्स के पास गए और उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन को उनके सामने रख दिया। उन बैंक्स को जमशेदजी टाटा की ये ट्रूथफुलनेस और ट्रांसपेरेंसी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें कुछ टाइम के लिए अपने साथ रख लिया, जिसके चलते जमशेदजी टाटा को वहाँ पर इतना पैसा तो मिल ही गया कि वो खुद वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और उसी वक्त वहाँ पर उन्होंने कॉटन बिजनेसेस को ऑब्जर्व किया और वहाँ पर उन्हें एक लेसन मिला। असली वेल्थ कॉटन की ट्रेडिंग में नहीं है, वो है कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही हमेशा वो ये भी सोचते थे कि इंडिया कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद उस कॉटन को इंग्लैंड भेजता है जहाँ पर उस कॉटन से टेक्सटाइल बनाई जाती है और उन टेक्सटाइल को अगेन इंडिया में ही बेचा जाता है। तो अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो इंडिया के पास खुद की टेक्सटाइल मिल्स होनी चाहिए। वही दूसरी ओर इंडिया में अपना कर्ज चुकाने के लिए नुसरवानजी टाटा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज साथ ही अपना घर भी बेचना पड़ा। इस सेटबैक के बाद नुसरवानजी टाटा का बिजनेस कम्प्लीटली जीरो लेवल पर आ चुका था। और इसी बीच 1867 में ब्रिटिशर्स और एबिसिनिया यानी आज के इथोपिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, जहां पर अंग्रेजों ने काफ़ी सारी इंडियन आर्मी भेजी और उन इंडियन आर्मी को ज़रूरत थी फूड्स की और रहने के लिए कई सारी चीज़ों की, जो प्रोवाइड करने के लिए अंग्रेज़ों को अगेन ज़रूरत थी कुछ मर्चेंट्स की, और यही अपॉर्चुनिटी नुसरवानजी टाटा ने फिर से ग्रैब की। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन नुसरवानजी टाटा जैसे मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। इसके बाद नुसरवानजी टाटा की वेल्थ कम्प्लीटली रिस्टोर्ड हुई। इसके कुछ टाइम बाद जमशेदजी टाटा इंडिया आए और नुसरवानजी टाटा रिटायर्ड हुए। 1868 में जमशेदजी टाटा ने ट्रेडिंग का बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की उनके पास कमी थी और वो थी एक्सपीरियंस। इसलिए कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने मुंबई के चिंचपोकली में एक ऑयल मिल खरीद ली, उसे उन्होंने कॉटन मिल में कन्वर्ट किया और कुछ सालों तक प्रॉफिटेबली चलाया और जल्दी उसे प्रॉफिट में बेच भी दिया। अब कई सारे लोगों को लगेगा कि जमशेदजी टाटा का ये बिजनेस था कि मिल खरीदो, प्रॉफिटेबल बनाओ और बेचो, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका बिजनेस अप्रोच बड़ा ही क्लियर था कि मुझे इस चीज़ से एक्सपीरियंस लेना है। वो मिल अगर वो प्रॉफिटेबली नहीं भी चला पाते तो भी वो उसे बेच ही देते, क्योंकि उसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही खरीदा था। वो तो अलग बात थी कि उसमें प्रॉफिट उन्हें मिल गया जो आगे उनके बहुत काम आया। 6 साल की तैयारी के बाद अब वक्त आ गया था मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का। तब मुंबई कॉटन मिल के लिए एक बहुत बेस्ट लोकेशन मानी जाती थी। तभी उनके पिता नुसरवानजी टाटा ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपनी टेक्सटाइल मिल ऐसी जगह पर खड़ी करनी चाहिए जहां पर कॉटन इजीली अवेलेबल हो और जहां पर कॉटन की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है, जो कि था आज के महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन। काफ़ी सारा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद जमशेदजी टाटा ने नागपुर ये लोकेशन अपनी टेक्सटाइल मिल के लिए फाइनलाइज की। अब ये देखकर बाकी सारे कॉटन ओनर्स बड़े शॉक हो गए थे, क्योंकि उस टाइम नागपुर में कोई भी टेक्सटाइल मिल नहीं थी।
लेकिन जमशेदजी टाटा के इसके पीछे की सोच ये थी कि नागपुर के आसपास बहुत ज़्यादा कॉटन की फार्मिंग होती है। खुद नागपुर भी विदर्भ रीजन में आता है, साथ ही वहाँ पर पानी की भी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है और रेलवे स्टेशन भी है जहाँ से इजीली उन टेक्सटाइल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जमशेदजी टाटा को पता था कि इंडिया को अगर टेक्सटाइल में इंग्लैंड से कम्पीट करना है तो टाइम के साथ बदलना होगा, और इसीलिए उन्होंने उन्हें जो मिल्स बेचकर प्रॉफिट मिला था उसे वो इन्वेस्ट करने लगे नई मशीनरीज पर, नई टेक्नोलॉजीज पर। शुरुआत में उनके मिल में जो मशीनरीज थी उनकी स्पीड थी 6000 रिवोल्यूशंस, जिसके बाद उन्होंने तुरंत रिंग फ्रेम की टेक्नोलॉजी को यूज करके इसे 9000 टू 12000 रिवोल्यूशंस पर लाया। ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट इतना बड़ा था कि उस टाइम रिंग स्पिनिंग की ये टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में भी ज़्यादा यूज नहीं हो रही थी। इनफैक्ट टेक्सटाइल मिल इक्विपमेंट के दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर प्लैट्स के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब जमशेदजी टाटा ने प्लैट से इस टेक्नोलॉजी की डिमांड की तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद जमशेदजी ने अपना सप्लायर चेंज किया और इस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। उस टाइम उनकी नागपुर मिल में करीब 17,500 लोग काम करते थे और इन वर्कर्स के लिए उन्होंने इंडिया में पहली बार प्रोविडेंट फंड लॉन्च किया, साथ ही पेंशन फंड और एक्सीडेंट फंड भी लॉन्च किया। हालांकि उस टाइम गवर्नमेंट की ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए उन्होंने ये सारी डिसीजंस ली। उन्होंने कई बार देखा कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्हें टिफ़िन देने के लिए उनके बच्चे मिल में आते हैं जो कि किसी भी स्कूल में नहीं जाते, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर ही एक स्कूल खड़ी की जहाँ पर वर्कर्स के बच्चे पढ़ने लगे। जमशेदजी टाटा की फिलैंथ्रोफी सिर्फ उनके वर्कर्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, उन्होंने जेएन टाटा एंडोमेंट फंड भी लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि जो लोग बाहर कंट्रीज में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस एंडोमेंट के जरिए आसानी से फ्री में वहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। जमशेदजी टाटा की फिलैंथ्रोफी का स्केल इतना बड़ा था कि 2021 के हुरुन रिपोर्ट के अनुसार वो उस टाइम के सबसे बड़े फिलैंथ्रोफिस्ट थे। उनके आज तक के टोटल डोनेशंस आज के 7.5 लाख करोड़ के करीब हैं। हुरुन रिपोर्ट के अनुसार ये डोनेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट ये बिल गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी की डोनेशन से भी ज़्यादा है। जिस दौर में जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस की शुरुआत की उसी दौर में एक और बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने बिजनेस में एंट्री की। और उनका नाम था शिवनारायण बिरला। शिवनारायण बिरला का जन्म राजस्थान के पिलानी में हुआ। उनके पिता एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। उनके पिता की डेथ के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। कुछ टाइम बाद उस सेठ ने शिवनारायण बिरला को भी कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ और मुनीम का काम करो, लेकिन शिवनारायण बिरला का ये मानना था कि वैष्णव धर्म में या तो आप एग्रीकल्चर करो या फिर बिजनेस करो, और इसलिए उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए बिजनेस को अपनाया। शिवनारायण बिरला ने ऑब्जर्व किया कि उनके एरिया का जो भी कॉटन है उसे पहले अहमदाबाद भेजा जाता है और वहाँ से ट्रेन के रास्ते उसे मुंबई भेजा जाता है और मुंबई से वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए वो पहले सीधा अहमदाबाद चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कॉटन की ट्रेडिंग शुरू की। कॉटन की ट्रेडिंग में उन्हें शुरुआत में अच्छी खासी सफलता मिली और उसी दौरान सेकेंड ओपियम वॉर के बाद चाइना में ओपियम लीगलाइज हुआ, जहाँ पर शिवनारायण बिरला को एक और अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग से डाइवर्सिफाई करते हुए ओपीएम ट्रेडिंग की भी शुरुआत की। ऐसा करके उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब की, साथ ही अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई किया और 1863 में वो मुंबई चले गए। टाटाज और बिरलास की शुरुआती जर्नी को अगर कोई एक चीज़ अलग करती है तो वो है एक डिसीजन। जब टाटाज ने डिसाइड किया कि वो फुल्ली कॉटन ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे, तभी बिरलास ने डिसाइड किया कि वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ ओपीएम ट्रेडिंग पर भी फोकस करेंगे। और जब इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइसेस गिरने लगी तब टाटास को काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े, वही बिरलास को अपने डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिला। 1880 में शिवनारायण बिरला ने अपने गोद लिए हुए बेटे बलदेवदास बिरला को अपने बिजनेस में शामिल किया और 1887 में बलदेवदास बिरला ने कलकत्ता में बलदेवदास जुगल किशोर इस ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की। 1900 से 1910 के बीच ओपीएम की डिमांड काफ़ी कम होने लगी, तभी बिरलास को ये समझ में आया कि उन्हें ज़रूरत है अपने बिजनेस को पिवोट करने की, और इसीलिए 1911 से बलदेवदास बिरला ने जूट ट्रेडिंग पर फोकस किया। 1914 से पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और ये वर्ल्ड वॉर मानो बिरलास के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। इस वर्ल्ड वॉर में जूट से बनी हुई गनी बैग्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी
जिससे बिरलास की नेटवर्थ 3 सालों में ही 20 लाख से 80 लाख हुई, यानी 300% से बढ़ी। लेकिन अब भी टाटा बिरला की असली स्टोरी शुरू भी नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे बिरलाज बिरला बने और कैसे टाटा बैंक्रप्सी के बहुत नज़दीक चले गए, और हम बात करेंगे कैसे टाटा और बिरला ने मिलकर इंडिया को बिल्ड किया।